Hello everyone, today's video is specially for those students who have left out a few chapters. They have either not completed them at all or maybe their revision is incomplete, and because of that, if you're feeling scared or anxious about the examination, then this video is exactly for you. I'm going to be sharing a discussion I had between me and a mentee, and I've also put subtitles for those students who do not understand Hindi. So let me know in the comments if you're able to relate with this. Let's start off. तो 90% सोच के चलो कि भाई उतना अटेम्प्ट हो गया ना तो बस ग्रेट है ना, यानी प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने तो फोड़ दिया है वैसे। तो जो छोटा मोटा आपका छूट भी रहा है उसका टेंशन नहीं लेने का, फिर नहीं किया उसको स्वाहा करके जाना, बिल्कुल टेंशन लेने की इच्छा नहीं। लोग मतलब 70% पढ़ के जाते हैं उसको भी उसके हिसाब से भी अच्छे खासे नंबर लेके आते हैं, 80% पढ़ के जाते हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हैं। तो टेंशन मतलब उतना तो अपने पढ़ा भी है, रिवाइज भी किया है ना, बस कॉन्फिडेंस की कमी है। वो कॉन्फिडेंस ले आओ अपने अंदर, भाई जितना बड़ा उसमें ही फोड़ के आएंगे अपन। अपन 30 मार्क हार है ऐसे सोच के चलो। आप खुद को कम सोचोगे तो फिर वहां पे हिलोगे, तो वो नहीं चाहिए अपन को। अपन कॉन्फिडेंस का, अपन का स्टैंडर्ड का बार क्या है, अपन सोचो इतना परफॉर्मेंस होगा तो ही मैं पास होऊंगा, ऐसा नहीं है। आपकी जितनी परफॉर्मेंस है उस पर भी आराम से निकाल सकते हो आप, तो वो बार की वजह से जो डिफरेंस है ना उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। आप ये समझो ना, इसमें निकल सकते हो, नहीं तो कॉमन सेंस भी अपन की अभी इतनी बढ़ गई होगी ना इस सब्जेक्ट को लेके, कि मान लो कोई ऊपर नीचे क्वेश्चन आ भी जाता है, अगर आप वहां पे शांत रहोगे, डिसीजन मेकिंग सही रख लोगे ना, तो कुछ तो लिख के आओगे। आधा एक नंबर तो अपन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे भी निकाल सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सब कुछ ही पढ़ के जाते हैं, 100% भी कोर्स करके जाते हैं, लेकिन उनका वहां पे डर जाते हैं तो उनका भी नहीं होता है। तो अल्टीमेटली इट इज ऑल द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लाना कैसे, कभी कभी थोड़ा अनस्टेबल हो जाना है। तो सब लोग बोलते हैं कि शांत रहो शांत रहो, अरे मैं कैसे अनस्टेबल ये बहुत लेम लगता है मुझे, शांत हो जाओ, बटन दौड़ी है यार। वही तो बोलता मैं यार, सब कुछ बोलता शांत हो के पेपर लिखना, अरे शांत हो के पेपर लिखना, अरे तू शांत हो जा। ये कभी हो गया आपको टेंशन? व्हेन डज इट गेट ट्रिगर्ड, मुझे बताओ कब होती है? सुबह सुबह स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पीक पे जाती है, सुबह सुबह जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तब थोड़ी पीक 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 पे जाती है, फिर वो दोपहर से थोड़ी कम होती जाती है, कम होती जाती है, फिर रात को तो मतलब भानु या देख लेंगे जो प्रे वे करते हो, भगवान भगवान तो मानते हो? हाँ तो प्रे कर लिया करो। इससे क्या होता है ना, जेन्युइनली एक्चुअली ये बिलीव करना कि भाई कोई है और वो कोई देख रहा है, और वो कोई आपकी पूरी मेहनत को भी देख रहा है, और आपको टाइम होते ही मिलेगा। हाँ, और जब आपका टाइम होएगा ना सही, जब आपने पूरा सब कुछ दे दिया होगा, जब भगवान को सीख लगेगा वो आपको देंगे, कहीं नहीं जा रहा आपके हिस्से का। बस ये है कि अभी मिलेगा, बाद में मिलेगा, कब मिलेगा वो डिसाइड करेंगे। तो उन पे भरोसा रखना है और अपन को अपना काम करते चलना है। तो जब भी ऐसा कुछ आए ना उनके पास चले जाया करो मेंटली, और उनको एक बार बोल दिया करो कि मुझे आप पे भरोसा है, आप दोगे, आज नहीं तो कल, मेरी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। मेरी ग्रैंडमा थी, दादी थी, वो मुझे बोलती थी हमेशा, जब मैं एग्जाम देने जाती थी तो मैं उनका आशीर्वाद लेके जाती थी, तो वो हमेशा बोलती थी कि तू जब भी पेपर लिखे है तो भगवान को सामने रखना और बोलना जो मैं लिख रही हूँ तेरे आपके लिए लिख रही हूँ ऐसा, और फिर लिखा कर। और उनको ऐसे हर बार वो मुझे बोलती थी, और बोलती थी मुझे रोना आ जाता था क्योंकि इतनी मेहनत की है ना और डर लग रहा है वैसा। ठीक है, अभी कॉन्फिडेंस का हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, और मेरे को लास्ट पॉइंट पूछना है कि पेपर कैसे करना। तो देखो आप ना एक बात समझ के चलो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स आएंगे। अपन ये सोचते हैं ना, प्रॉब्लम वहां होती है, अपन सोचते हैं कि अपन को आता है, या अपन सोचते हैं कि तो आराम से हो जाएगा, फिर जब हर्डल आता है ना तो वो अपन के एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं होता, तब अपन को पैनिक होता है। आपको एक्सपेक्टेशन रखो ही मत कि कोई भी क्वेश्चन आसान है। आप ये सोच के चलो सब नॉर्मल क्वेश्चन है, हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, मैं देख लूंगा। मैं अपनी मेरा आपका जॉब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन को सही करना, आपका जॉब है अपना परफॉर्मेंस को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना। तो अगर वो क्वेश्चन में आपने आधे के बाद परसेप्शन लेके ही मत चलो, आपने आधे क्वेश्चन के बाद में अगर आपको डिफिकल्टी आती है कोई टॉपिक पे, तो अब क्या है, घड़ी देखनी है, घड़ी में इसके हिसाब से मिला के 5 मिनट बचे हैं इस क्वेश्चन के हिस्से के। अब 5 मिनट में क्या कर सकता हूँ, वो एडजस्टमेंट छोड़ के क्या बाकी का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ? कर सकता हूँ तो निपटाओ, ठीक है। 5 मिनट अगर आप बाद में आके इसको देखना चाह रहे हो, अगर ज्यादा टाइम बचा है तो इट्स ओके, 5 या 10 मिनट बचे हैं अपन के, तो इस क्वेश्चन को वहां पे ड्रॉप करके आप वापस आ सकते हो, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वरना मैं तो यूजुअली ऐसा करती थी, मुझे लगता था कि भाई इस क्वेश्चन को अभी देख लिया, इसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिलेगा इसको वापस देखने का, तो अभी ही जितना जैसा तैसा करके वाइंड अप करो और मूव ऑन। स्टेप मार्किंग तो होती है ना,
तो स्टेप मार्किंग के ही मार्क्स मिल जाएंगे और तभी इम्पोर्टेंट होता है या वर्किंग नोट्स वगैरह बराबर लिखो, इन द सेंस कि आप हर वर्किंग नोट को अलग से लिखो ताकि आपका ऊपर से पूरा स्टेटमेंट भी गलत जा रहा हो तो वर्किंग नोट के तो पूरे नंबर आपको मिलते चलेंगे एक 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 एक, भले कैलकुलेशन में फिगर्स में कुछ भी ऑफ हो जाए तो, है ना। तो वहां पे डिसीजन मेकिंग एक्चुअली बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। तो टाइम नहीं हो, जैसे तैसे उसको माइंड अप करो एंड मूव ऑन। वो एक क्वेश्चन ही डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है और हर क्वेश्चन को सही करना भी जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ अपना हिसाब से बेस्ट देके आना है हर क्वेश्चन के अंदर। स्टार्टिंग में या एंड में या बीच में कभी भी किसी क्वेश्चन को लेके परसेप्शन मत बनाना। ये तो ना सीए एक्चुअल, अगर आप सीए होते हैं, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्लाइंट को देख के थोड़ी ना डिसाइड करोगी कि अरे इसका काम बहुत डिफिकल्ट होगा, ज्यादा पैसा लेता हूँ, इसका इजी होगा, ऐसे थोड़ी। मेरे सामने भी इतने बच्चे आते हैं, मैं बच्चे को देख के थोड़ी डिसाइड करती हूँ कि भाई मेरे को इसको ज्यादा देना है या ये ज्यादा इंटेलिजेंट है या वो कम इंटेलिजेंट। नहीं, मेरे लिए सब बराबर है, तो आपको वो लेते हुए चलना है कि मेरे लिए सब क्वेश्चन बराबर है, मेरे को हर एक को अपने साइड से बेस्ट देना है। अब जो खुद ही ट्रिकी क्वेश्चन है वो खुद ही अपने आप देख लेंगे, जितना होता है करते हैं।